के गेट भी अगले एक दो मिनट में खुल जाएगा और हम लगातार जिस तरीके से अपने दर्शकों को बता रहे थे लगातार कि 12:45 के आसपास 11:45 के आसपास बैठाया जाएगा इस ब्रजवाहन में अतीक अहमद को। ठीक वैसी ही तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, 11:45 होने वाले हैं, माफी चाहता हूँ 11:45। पूरी तैयारी, पहला एक स्कॉट जिसमें अधिकारी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, दूसरा एक स्कॉट होगा उसमें भी अधिकारी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, उसके बाद एक ब्रज होगा, ब्रज वैन होगा जिसमें अतीक अहमद होगा, और उसके बाद एक और ब्रज वहन होगा जिसमें सारे अधिकारी जो हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ होंगे, और फिर पीछे एक लोकल पुलिस की वैन होगी। तो इस काफिले के साथ अतीक अहमद को प्रयागराज के स्पेशल MP MLA कोर्ट में 12:30 से पहले प्रयागराज प्रशासन पहुंचा देगा। 12:30 बजे उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आ जाएगा। देखिए पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैयार है लोकल पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, अधिकारी आसपास की सुरक्षा गाड़ी निकल चुकी है, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अतीक की गाड़ी भी इस बीच निकल रही है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर लगाकर अपनी गाड़ी बैठे हुए हैं कि अब हम अशरफ की गाड़ी को भी फॉलो कर पाएंगे और अतीक की गाड़ी को भी फॉलो कर रहे हैं। अशरफ की गाड़ी निकल चुकी है, अतीक की गाड़ी को भी फॉलो किया जाएगा क्योंकि दोनों को यहाँ पर खतरा है। अशरफ की गाड़ी के आसपास कोई ऐसा स्कॉट नहीं दिखा, लेकिन अतीक की गाड़ी के आगे पीछे ACP और DCP की गाड़ी भी चलेगी और पूरा उसे कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, पूरा स्कॉट किया जाएगा क्योंकि अतीक को यहाँ बहुत खतरा है। अतीक को खतरा सिर्फ इस बात का नहीं है बल्कि उसके भी और भी दुश्मन यहाँ पल रहे हैं, लिहाजा उसको पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाएगी। जेल के बाहर देखिए आसपास लोग दिखाई हमको दे रहे हैं जो इस बात को देखना चाह रहे हैं कि जिसका कभी खौफ यहाँ हुआ करता था वो किस तरीके से खौफ ज्यादा आज हो चुका है। जेल के आसपास इस तरीके से हम देख रहे हैं लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों को रोक लिया है, ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रुक गया है और आसपास लोग मंजर देख रहे हैं। जरा युगल दिखाइए, जरा ये देखिए, ये लोग दिखाइए, जरा आप ये लोग ये बाइक पर लोग दिखाइए, ये अतीक अहमद का गाड़ी, अतीक अहमद का काफिला निकलता हुआ कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट रूम पहुंचाने के लिए 11:45 में अतीक अहमद का काफिला निकलता हुआ पीछे की तरफ, अतीक अहमद का काफिला निकल चुका है, निकल गया है अतीक अहमद का काफिला, इसमें अतीक अहमद है। देखिए इस ब्रज बहन में अतीक अहमद है, देखे यहाँ तस्वीरों में इस ब्रज बहन में अतीक अहमद है और हम अतीक के ठीक इस काफिले के पीछे है, और देखिए हम अतीक के इस काफिले को फॉलो करेंगे और लगातार फॉलो करते हुए रहेंगे। देखिए हम लगातार इस काफिले को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ तस्वीरों में ये इसी ब्रज वैन में बैठा हुआ है अतीक अहमद। हम तस्वीरें लगातार दिखाएंगे किस तरीके से काफिले में लेकर जाया जाता है अतीक अहमद को। हमने कहा था अपने दर्शकों को कि 11:45 में अतीक अहमद को यहाँ से निकाला जाएगा, नैनी जेल से निकाला जाएगा, और ठीक 11:46 पे नैनी जेल से निकाला गया है अतीक अहमद। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये अतीक की, ये देखिए धीरे धीरे फॉलो करो, ये देखिए अतीक की वैन निकल रही है लेकिन अतीक को हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। ये अतीक की गाड़ी के सबसे आगे न्यूज 18 इंडिया है, हम पूरी तरीके से इस स्कॉट को फॉलो कर रहे हैं। युगल जरा जूम आउट करके दिखाई, जूम इन करके दिखाइए, ये आप देख सकते हैं वहां पर वो गाड़ी देख सकेंगे और उसके पीछे जो दो वज्रवान आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो वज्रवान है जिसमें अतीक मौजूद है। हम आगे से अतीक के इस पूरे स्कॉट को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आपको तस्वीर दिखा रहा है, जरा आप इसको फॉलो कर, इसी वज्रवान में बैठा हुआ है अतीक अहमद।